सिटी गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम में आसमान की छूती ऊंची ऊंची इमारतों व उद्योग की विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान है। गुरुग्राम में विदेशों से और देश में दूसरे राज्यों से प्रवासी लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में गुरुग्राम लाखों की तादाद में आते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा कर अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के मुंह से उनका निवाला छीन लिया। प्रवासी मजदूरों को अब डर सता रहा है कि लॉकडाउन और कब तक चलेगा। इस बीच उनको अपने परिवार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। मार्च से हमने जो शुरुआत करी थी दोनों टाइम भोजन देने की गरीब आदमियों के लिए, तो आज हमारे 51 दिन पूरे हो गए और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई अब जो लॉकडाउन खुल रहा है अपना काम धंधे पे जाएं और अपना वहीं से अपना गुजारा करें। जैसे हमसे जो सेवा होगी वैसे करते रहेंगे। और मैं एक संदेश और देना चाहूँगा कि भाई मास्क लगा के चलें, घर से जरूरत हो तभी निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो 4 नंबर जो हमें लगा है तो इसको जो है शायद इसके बाद और ज़्यादा बचाव हो जाएगा और सबको काम मिलने लग जाएगा। काम तो अभी मिलने लग गया है क्योंकि जहाँ 5-6 हज़ार आदमियों का हम खाना बांटते थे वो 3,000 से 3,000-4,000 पे आ गया है। तो कुछ काम धंधे खुल गए हैं, उन पर हमने काम करने के जाने लगे हैं और यही हमारा उद्देश्य रहेगा। जहाँ भी हम तो यही समझाते आ रहे हैं कि अपना मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस बना के रखें और दूसरों को भी समझाएं ना कि, और अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें ताकि सब्जी जैसे लेते हैं उनको भी बताएं, घर वालों को भी किसी छुए नहीं किसी सब्जी को, उसी से सब्जी वाले से ही बोल दें कि आप दे दो सब्जी जैसे भी है। और यही ध्यान रखना है, हमने लड़ाई कोरोना से लड़नी है तो अब ये ध्यान जरूरी है हमारा सबका। क्या लगता है कि सरकार भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके गृह राज्य भेज रही है, क्योंकि तो लगता है कि जो जीवन है पटरी में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वक्त लग सकता है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे महामारी जो है इसके ऊपर कंट्रोल काफ़ी कंट्रोल होता जा रहा है।